सभी दोस्तों को मेरा यानी आर एस चहल का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं तरह तरह के योग जो है इस चैनल के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। तो ये योग तो जाना पहचाना योग है, काफ़ी बार मैं बना चुका हूँ, काफ़ी बार इसके बारे में आपको जानकारियाँ दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं जब भी बनाता हूँ तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत ही पसंदीदा योग है। ये समझ लीजिए कि हर प्रकृति के रोगियों के लिए ये बहुत ही रामबाण योग है। ज़्यादातर गर्मी के जो जौन रोगी होते हैं वो ज़्यादातर गर्मी के रोगी होते हैं, तो उनके लिए तो इससे बेहतर कोई भी दवा नहीं है। चाहे वो शीघ्र पतन के रोगी हों, चाहे उन्होंने अपना वीर्य बिल्कुल नष्ट कर लिया हो, पानी की तरह पतला कर लिया हो, वीर्य उत्तेजना की कमी हो गई हो, ऐसे सभी रोगियों के लिए ये रामबाण औषधि है। इतना इसमें जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि ये जल्दी अपना असर नहीं दिखाती है, असर दिखाने के लिए इसको समय लगता है। तो आजकल इतना संयम किसी में नहीं है, जिसमें संयम है वही इसका इस्तेमाल कर सकता है, वही इसका लाभ ले सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट आने में 40 दिन भी लग सकते हैं, महीने में भी रिजल्ट मिल जाता है, कई बार महीने से कम में भी मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम हम ये कहते हैं कि 40 दिन तो इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 4 महीने, जितनी आपकी इच्छा हो, आपकी पॉकेट अलाउड करती हो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन भाइयों में संयम हो, सब्र हो, संतोष हो, शादी में अगर किसी की शादी में 2-3 महीने हों तो कोई टॉनिक के रूप में इसको औषधि को बनवाना चाहता हो तो इसको जरूर बनवाएं, क्योंकि इसने शरीर की हर एक धातु को पुष्ट करना है, शरीर की सभी धातुओं को पुष्ट करना है। और सबसे बड़ी बात, स्वर्ण स्वर्ण जो इसमें पड़ता है, तो स्वर्ण का तो आपको पता ही है कि नस नस में नया जोश पैदा कर देता है। काफी फार्मेसियां काम चूड़ा मणि रस के नाम से बनाती हैं, तो फार्मेसियों का तो फिर आपको पता ही है कि फार्मेसियों में जो इसमें बराबर मात्रा में स्वर्ण डालती है ना, वो कोई नहीं डालता है। तो क्योंकि हमें शंका इसी बात पे होती है, जब इतने कम रेट में फार्मेसियाँ कैसे दे देंगी किसी दवाई को, कोई 20-15-20 रुपए की एक टेबलेट कैसे दे देंगी। तो इसलिए फार्मेसियों पे भरोसा करने की बजाय आप किसी अच्छे वैद्य से इसका निर्माण कराएं। हाँ, जिनको गर्मी कम है, गर्मी की समस्या नहीं है, जल्द रिजल्ट लेना चाहता है, उसके लिए मैं एक और दवाई साथ में देता हूँ इसके, तो उससे जो रिजल्ट है वो दुगना हो जाता है। हाँ, लेकिन जोग जो है ये टेबलेट साथ में लगा के और वो टेबलेट साथ में लगा के काफ़ी महंगा पड़ता है। तो जिन भाइयों की पैसे की कोई दिक्कत ना हो, वो भाई इसका जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ अगर रिजल्ट लेने में जल्दी हो तो उसमें एक स्वर्ण का जोग मैं और देता हूँ साथ में, तो वो साथ में जरूर ले लें, तो ये आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए अब कई भाई जो है वो जहाँ पे YouTube चैनल देख के मेरे पास दवाइयाँ लेने आ जाते हैं, जहाँ दवाइयाँ मंगवा लेते हैं, तो उन सब का मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर उनको ऐसे हो जाता है कि चैन साहब के पास पता नहीं कोई जादू की छड़ी है, हम क्लिनिक पे चले जाएंगे तो जाते ही ठीक हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात है कि समय लगता है, आयुर्वेदिक औषधियों में समय लगता है, खास करके जो अनमेरिड व्यक्ति हैं, अनमेरिड यंग एज के लड़के हैं, उनको मैं कभी भी गर्म औषधि नहीं देता। तो उनको धातु पुष्ट करने वाली, लीवर को टोन अप करने वाली औषधियाँ दी जाती हैं, जिनका काम कम से कम 1 महीना बाद शुरू होता है। तो वो एक दिन दवाई लेके जाके दूसरे तीसरे दिन फिर फोन करने लग जाते हैं, मैसेज करने लग जाते हैं कि सर हमें तो स्वपन दोष हो रहा है, हमें तो धातु जा रही है, रुकी नहीं, कंट्रोल नहीं हुई। तो ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं है, आयुर्वेद ने अपने हिसाब से काम करना है, और ना ही मैंने कभी झूठ बोला
बोल के कि कभी दवाइयाँ सेल की हैं या मैंने अपने क्लिनिक का प्रचार किया है, जो बात सच्चाई है वो सच्चाई मैं आपको हमेशा अवगत कराता रहता हूँ। तो जिसमें संयम हो वो दवाई ले, जिसमें संयम नहीं है, जो ये चाहता है कि मुझे एक दो खुराकों में आराम आ जाए, एक दो खुराकों में जबरदस्त ताकत आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो वो कहीं और चला जाए, कहीं से भी दवाई ले ले। तो कोई बंदिश नहीं है कि आप मेरे पास ही आएँ, क्योंकि मेरा तो अपने रूल एंड रेगुलेशन है, अपने हिसाब से दवाइयाँ देता हूँ, संयम रखना पड़ता है। तो अब चलते हैं योग की तरफ। ये वही योग है जो पहले भी मैंने कई बार शेयर किया है, काम चूड़ामणि रस। काम चूड़ामणि रस हम बनाते हैं। तो अभी ये भाई का एक का पेमेंट आई थी, तो बाहर से हैं वो, उनके लिए मैं ये काम चूड़ामणि रस बना रहा हूँ। तो इसमें पड़ने वाली हर औषधि कीमती है। तो सबसे पहले इसमें जो है स्वर्णवसम 2 ग्राम, ये आपकी इच्छा है, अगर आप महीने 2 महीने के लिए बनाना चाहते हैं तो 2 ग्राम काफ़ी है, ये 2-3 महीने आराम से चल जाता है आपका 2 ग्राम से बनाया हुआ। क्योंकि मेरे क्लिनिक का इतना ज़्यादा बजट नहीं है, मैं कोई भी कभी भी इस विषय में झूठ नहीं बोलता। ये नहीं है मेरे पास कि कोई 20 ग्राम 25 ग्राम मेरे पास स्वर्णवसम पड़ी हो, 30 ग्राम पड़ी हो, तो जितनी ज़रूरत होती है उतनी मंगवाता हूँ। इसलिए मेरे जो लोग हैं दवाइयों, जो मेरे पेशेंट हैं रोगी हैं, उनकी दवाइयाँ 1-2 दिन लेट ज़रूर हो जाती हैं, क्योंकि पहले मैं अपनी दवाइयाँ उतने हिसाब से उनकी उसी टाइम तैयार करता हूँ, कोई भी योग मैं बना के नहीं रखता। तो महंगे योग होते हैं, तो क्लिनिक पे अगर मैं बना के रख लूँगा तो इतना बजट मेरे क्लिनिक का नहीं है, ये मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ, ये सच्चाई है। तो इसमें आपको स्वर्ण भस्म चाहिए 2 ग्राम, चांदी भस्म चाहिए 2 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम, स्वर्ण मक्षिक भस्म 2 ग्राम, जायफल, ये जायफल का मैंने ऑर्डर कर रखा है 2 ग्राम, भीम सैनिक कपूर 2 ग्राम, बंग भस्म 2 ग्राम, जावित्री 2 ग्राम, लौंग के फूल 2 ग्राम, चातर जात का चूर्ण 9 ग्राम। तो ये सभी औषधियाँ आपको इस अनुपात में चाहिए। अगर आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इनका अनुपात दुगना भी कर सकते हैं, तिगुना भी कर सकते हैं। इसी अनुपात में आप औषधियों का जो है क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, भीमसेनी कपूर को खरल करना है 5 से 6 घंटे, एक अकेले भीमसेनी कपूर को खरल कर लें। उसके बाद आप एक एक करके भस्म डालते जाएं, रजत भस्म, मोती पिष्टी, स्वर्ण मक्षिक, बंग भस्म, स्वर्ण भस्म। तो फिर जो काष्ठ औषधियाँ हैं इनको अलग से खरल कर लें। तो जब सभी औषधियाँ एक जान हो जाएं, पहले सूखी दवाई को खरल कर लें, जब सभी औषधियाँ एक जान हो जाएं तो सतावर का रस लेना है आपने, थोड़ा थोड़ा सतावर का रस डालते जाएं और उसको खरल करते जाएं, 5 से 6 दिन तक इसको खरल करना है। जब ये बिल्कुल गोली बनाने जो गया मुलायम हो जाए तो इसकी एक एक रत्ती की गोली, जहाँ भी भेद है, फार्मेसियाँ आधा आधा रत्ती की गोली बनाती हैं, हम एक एक रत्ती की गोली बनाते हैं। तो इसलिए हमारे जो लोग हैं वो महंगे होते हैं। तो आप कई बार ये पूछ लेते हैं कि सर एक एक गोली आप वीडियो में तो एक एक गोली बताते हो, तो कई बार हम जब व्हाट्सएप पे पूछते हैं तो हम दो दो गोली खाने की कह देते हैं। तो 2 गोलियां अगर खानी है, अगर आधी आधी रत्ती की है तो 2 गोलियां, अगर एक एक रत्ती की है तो एक एक गोली काफ़ी है, तो ज़रूरी नहीं है। कई बार हम लिखवानी होती है फार्मेसी की कोई दवाई, तो फार्मेसियाँ हम पता है कि आधा आधा रत्ती की गोलियाँ बनाती हैं, तो वहाँ पे दो दो गोलियों की डोज बता दी जाती है। और किसी को समस्या ज़्यादा होती है तो उसको एक एक रत्ती वाली दो दो गोलियों की डोज बता दी जाती है। तो ये भी कई बार जो कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग कि वीडियो में आप कुछ बताते हो, जहाँ पे कुछ बताते हो, तो कन्फ्यूज नहीं होना कभी भी। हमारा ये हमेशा से यही दे रहा है, यही हमारा क्लिनिक का जो मंतव्य है कि हमने आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है, इसका प्रचार और प्रसार करना है। तो इसलिए कभी भी हमारी जो आत्मा है, कभी भी किसी को गलत दवाई या ज़्यादा पैसा ऐंठना
रक्त गाइड करना ये हमारा काम नहीं है। तो ये इसके फायदे आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि जिनका वीर्य जिसको शुक्रक्षय कहते हैं, वीर्य बिल्कुल खत्म हो गया हो, वीर्य बिल्कुल पतला पानी की तरह हो गया हो, उत्तेजना बिल्कुल खत्म हो गई हो, शीघ्र पतन हो जाता हो, ऐसे रोगियों के लिए रामबाण औषधि है। दात सपन दोष के लिए भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं, और जिनको हाजमे की खराबी हो उनके लिए भी इसके बहुत बढ़िया, हाजमे को भी दुरुस्त करती है। और सबसे बड़ी बात कि हर प्रकृति के रोगी के लिए ये जो है बहुत इसके अच्छे रिजल्ट हैं, खासकर पित्त प्रकृति के रोगियों के लिए, क्योंकि पित्त प्रकृति के रोगी ज़्यादा होते हैं। पित्त प्रकृति के रोगी इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों का खान पान ही ऐसा हो गया है, तो ड्रिंक, तंबाकू सेवन करना, ऐसी चीज़ों के सेवन करने से वीर्य पानी की तरह पतला हो जाता है, तो गर्मी हो जाती है, कब्ज रहने लग जाती है, आँखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं, चेहरा निस्तेज हो जाता है, और जरा सी बात जो मन में आई, विचार आया, तो उसी टाइम जो है चिपचिपा पानी निकलना शुरू हो गया। तो ऐसे रोगियों के लिए जबरदस्त रिजल्ट है, लेकिन संयम के साथ खाना पड़ता है, और एक बार समस्या सॉल्व हो गई दोबारा इससे समस्या फिर नहीं आएगी, क्योंकि स्वर्ण भस्म है, चांदी है, मोती है, तो सभी ने अपना अपना कार्य करना है। तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। अभी ये किसी भाई ने पेमेंट डलवाई थी, ऑर्डर दिया था मेरे को दवाइयों का, तो उसको मैं ये दवाइयाँ भेज रहा हूँ फॉरेन कंट्री में, तो उसके लिए मैंने ये बनाई है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपसे एक बार और शेयर कर दें, थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी और हम टच में भी बने रहेंगे। तो जो भाई नए जुड़े हैं वो पुराने पिछले वीडियो ज़रूर देखें, और जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जो कुछ पूछना हो किसी भाई ने तो व्हाट्सएप पे ही संपर्क करें, जहाँ पे कमेंट डिसेबल कर दिए हैं मैंने, क्योंकि लोग कई जो है वो बदतमीजियाँ करना शुरू कर दी थी, तो जहाँ पे डिसेबल कर दिए हैं कमेंट मैंने, तो जिसने भाई ने संपर्क करना हो वो व्हाट्सएप पे अपनी बात रख सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।